के ग्रेसेस होटल में नटराज वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से किया गया। इस पर मुख्य अतिथि रहे समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश शर्मा, उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। वहीं मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम विधानसभा की जनता से अपील की कि जनता की सेवा में कार्यरत हैं, उनके जीवन का परम लक्ष्य जन जन की सेवा करना है। अनेक अनेक रूप से प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ रहे हैं। उन्हें सिविल लाइन आयोजित पे समारोह के सभी संस्थापक सदस्यों कार्यकर्ताओं को विचार को चरितार्थ करते हुए नवीन प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी और प्रेषित किया। मुकेश शर्मा ने कहा कि नटराज वेलफेयर एसोसिएशन जिस प्रकार कार्य करेगी और आगे आने वाले भविष्य में अपने नाम को पूरे देश में फैलाएगी। नटराजन वेलफेयर एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह में अनेकारंग कार्यक्रम में बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया। इसी के साथ ही बच्चों को व आए हुए सभी अतिथियों को ट्रॉफी देकर उनका मान सम्मान किया। वहीं दूसरी तरफ जैसे शिव तांडव, कृष्ण राधा, कृष्ण सुदामा जैसे अनेक प्रकार की झांकियों की भी प्रस्तुत की गई। उन झांकियों ने प्रस्तुत के दौरान लोगों का मन मोह लिया। देखो क्या, ये नटराज वेलफेयर एसोसिएशन जो है, ये अभी एक नई संस्था बनी है। आज इसका पूरा प्रचार किया हमने, शुरुआत की है कि ये अच्छे कार्य करें। ये सबसे पहले शिक्षा के बारे में, फिर स्वास्थ्य के बारे में, कि ऐसा रहे कि लोगों को ये सुविधा मिले। आम जनमानस को क्या होता है, हम संस्था बना लेते हैं लेकिन हम उस संस्था से भी अपने परिवार को सुविधा देते हैं। ये संस्था ऐसी नहीं है। इस संस्था से क्या है, हमें इससे कोई रोजगार कमाना नहीं है। हम जो नेक कमाई अपनी है, उस नेक कमाई में से हम इस संस्था में पैसा लगाएंगे और लोगों का सहयोग करेंगे। क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे संस्था में? सबसे पहले तो स्वास्थ्य और शिक्षा का है। स्वास्थ्य और शिक्षा में हम सब लोग पूरी मेहनत करेंगे और ये दोनों मुद्दे हम सब जो लेके चले हैं, चार मुद्दे, इसमें उन बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मैदानता, फोर्टी, इनमें सब लोगों में, उनको अच्छा इलाज मिले। और गुड़गांव में ये नियम था, जब मैदानता हॉस्पिटल खुला तो गुड़गांव के लिए 300 बेड फ्री थे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हर गांव में जा के नरेश तैरान जी ने कहा कि गुड़गांव में 300 बेड मैदानता हॉस्पिटल में लोकल जो परिवार गुड़गांव के रहने वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन आज तक भी एक बेड की सुविधा नहीं मिली गुड़गांव के लोगों को। जब भी कोई बड़ा हॉस्पिटल बनता है तो उस संस्था का नियम होता है कि वो सुविधा सबको दे, पूरे जिले को। तो ये आपके माध्यम से मैं बताने चाहता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल जिन लोगों ने बना रखे हैं उन्होंने ये सुविधा आम जन को देनी चाहिए। और गुड़गांव जिले का ये नियम था कि जो भी गुड़गांव जिले का इंसान जाएगा बड़े हॉस्पिटल में उसके बिल में 50% का डिस्काउंट वैसे ही होगा। नगर संस्था गुड़गांव में जब काफी संस्था है तो इसको लेकर उसमें क्या डिफरेंट है? अभी ये संस्था शुरुआत की है, आज इसकी शुरुआत है। एक महीने के बाद इस आप लगेगा आपको कि और संस्था से इस संस्था में थोड़ा सा अलग प्रभाव है। अलग प्रभाव इसलिए क्योंकि हम धरातल पे चलेंगे, उन लोगों को जिनको सुविधा चाहिए उन लोगों को सुविधा मुहिम कराएंगे। क्या मैसेज होगा संस्था के लिए? संस्था के लिए तो यही मैसेज है मेरी तरफ से, तो कि हम सब लोग जितनी भी हमारी टीम है ये अच्छा काम करेंगे। जब अच्छा काम करेंगे तो आप स्वयं, क्योंकि आप भी इसका एक पार्ट हो इस संस्था का। अभी मैंने बोला कि सब जब तक मीडिया साथ नहीं होगी जब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रचार भी इसलिए जरूरी है लोगों को पता तो चले जिनको सुविधा लेनी है। अभी तक तो उन लोगों को पता ही नहीं कि जिनको सुविधा ही लेनी है जिन लोगों को, तो इसीलिए प्रयास करें, अच्छा सहयोग रहेगा और इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे नजर आएगा। ये दीपक जी हमने प्रभारी बनाया, अभी श्रीपाल जी को बनाया, नरोत्तम उत्सव को बनाया जी, उमेश जी को भी, सुशील जी को भी, और उसके बाद में ये अपना युधिष्ठिर भाई को भी, सब धर्म, ये सब लोग एक टीम है और इस टीम का मजा जब लगेगा जब कार्य हम सब लोग करेंगे। थैंक यू, ये अच्छा कार्य होगा। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।